वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये देखिए दही कितना अच्छा मेरा जमा हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा। और इसको मैं मिट्टी के बर्तन में जमाती हूँ, तो आप मेरी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह हम मिट्टी के बर्तन में दही जमा सकते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ सैंडविचेस, तो जो कि टीपू को भी मैं रख दूँगी और हम लोगों का भी नाश्ता हो जाएगा। दिन परहेज करने के बाद आज आप ब्रेड खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? ब्रेड एंड आलू। टीपू कुछ भी करता रहता है और उसके पापा का ज़्यादा लाडला है, तो पापा उसके मना भी नहीं करते। ये देखो कैसा मेरा नेल पेंट निकाल के वो लगा दिया है, पैरों में भी लगाया क्या? ये देखिए, खुद भी लड़की बनता है और दूसरों को भी लड़की बनाता है। कल उसने मेरा पूरा मेकअप निकाल के और लगा लिया। आज फ्रेंड्स हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, पूरे 2 साल बाद। टीपू कहाँ जा रहे हो तुम? टीपू कहाँ जा रहे हो? थिएटर, थिएटर में। तो हमारा अचानक से ही प्लान बन गया आज RRR देखने का, तो वहीं पर हम लोग देखने जा रहे हैं मूवी। भेजना नहीं पड़ा, नहीं गाड़ी तो गई वहाँ, उनको मेन प्रॉब्लम उसमें जो आवाज कर रही थी। हो तो गया बेटा, मैंने तो क्रीम लगाने के बाद से बड़ा हो गया, मैं मीन से राजा बन गया। इधर देखो, मैं बड़ा हूँ क्रीम की वजह से हो गया था, हम मीन से मत से शादी करूँगा। अच्छा, मीन से शादी करोगे, गोरे होगा इसलिए? हाँ। और तुम्हें पसंद कर ली मीनू? हाँ, तुम्हारी मीनू तो काली है। हाँ, नहीं तो मैं उनको भी गोरा कर दूँ लगा के। अच्छा, अभी वो भी गोरी हो जाएगी और फिर? फिर ना आएगी, जब भी गोरी हो जाएगी फिर भी गोरी की। तो फ्रेंड्स मेरे छोटे से शहर का, मतलब पहले तो ये तहसील थी, अब जिला बन गया है, तो गांव टाइप ही था, तो अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा। तो थिएटर यहाँ पे इसी टाइप के हैं, बहुत पुरानी, मतलब टॉकीज़ है, थिएटर तो नहीं कहेंगे, पुराने ज़माने की, कम से कम 25 साल पुरानी है। और मोबाइल आने से ज़्यादा यहाँ पे क्रेज़ भी नहीं है, क्योंकि बड़ी सिटी नहीं तो उतने ज़्यादा लोग देखने आते नहीं। तो देख लीजिए किस टाइप का है, यहाँ पे हम लोग मूवी देखने आए हैं। तो ये इस टाइप का कासगंज में हमारे टॉकीज़ बनी हुई हैं अंदर, तो बिल्कुल मतलब पुराने ज़माने की हैं बिल्कुल। तो बस चल रहा है काम चलाऊँ। तो भाई आप सोच रहे होंगे ये कैसा थिएटर है, तो ये थिएटर नहीं है, उसका जो ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि मूवी जो थी काफ़ी लेंदी है, तो वो 4 बजने में जब 15 मिनट थे तब स्टार्ट हुई थी, जहाँ तक हमको मालूम था कि 3:30 तक हो जाएगी। हाँ, आप एक जाती ना बेटा बुझा देते हैं। अभी एक शो खत्म नहीं हुआ है और यहाँ पे वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, टीपू बैठा है, पापा बैठे। तो यहाँ ऐसी छोटी सी टॉकीज है, बिल्कुल बड़ी बड़ी सिटीज जैसी आपको यहाँ थिएटर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जहाँ भी रहो मस्त रहो, जैसा है वैसे एंजॉय करो। तो भाई देख लो ऐसी टॉकीज है हमारे छोटे से जिले कासगंज में, नोवल्टी टॉकीज। कितना साल पुराना है? 25 साल पुराना थिएटर है ये। चलो चलो आ गया है। तो यहाँ हम लोग थिएटर में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे कोई एसी वगैरह नहीं है और गरम गरम बस हवा लग रही थी फैंस की। तो ये बिल्कुल हमारे गांव के टॉकीज से कम नहीं है, बट जैसा भी था बड़े पर्दे पे पिक्चर देखने मिल गई और बहुत ही अच्छी पिक्चर है, आप लोग भी ज़रूर देखें ये मूवी, बहुत अच्छी लगेगी। और
बच्चों को भी जरूर दिखाए। इसमें एनिमेशंस बताए गए एनिमल्स जो मतलब टाइगर है और ये सब, और फैमिली के साथ देखने लायक मूवी है, तो बच्चों को भी जरूर ले जाए, उन्हें भी जरूर पसंद आएगी। तो यहाँ हमारी मूवी जो है स्टार्ट हो चुकी है। बस एक कमी थी कि थोड़ा सा ना गर्मी ज्यादा लग रही थी। तो ये मूवी के कुछ सीन्स है, तो बहुत ही जबरदस्त मूवी है। यहाँ हो गया इंटरवल और यहाँ पे ओनली पेटीज मिलती है, क्योंकि छोटी सी टॉकी से बस ओनली पेटीज ही अवेलेबल थी, तो वो हम लोगों को ले ली हम लोगों ने और एंजॉय। तो बस यही था।